आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। और ये भी मेरी मक्का ट्रिप के हवाले से ही वीडियो है जो मैं वहीं के परफॉर्म करने गया था। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने इसको एक ऐसी चीज़ शेयर कर लूँ जो होटल से मुतालिक हो। तो बेसिकली ये जो होटल है ये मक्का मुकर्रमा की हरम मस्जिद हरम से थोड़ा सा दूर है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट जो है वो ये है कि हमें यहाँ पे इजीली पार्किंग अवेलेबल है और साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है, इजी है एक्सेस है। इवन आप हरम भी आना जाना करते हैं तो बहुत ईजिली आप आना जाना कर सकते हैं। ये थोड़ी सी ऊँचाई के ऊपर ज़रूर है, लेकिन इसका बेहतरीन हल यही है कि अगर आपके लिए आसानियाँ भी हैं तो कुछ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी जो मुझे फेस हुई वो यही फेस हुई थी कि ये ऊपर चढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसके लिए। यानी हो मैं वापसी में हरम से यही करता था कि टैक्सी ली, और टैक्सी लेकर जो है वो 10 से 15 रियाल के दरमियान में उसने मुझे चार्ज करते थे और वो मुझे बिल्कुल इस होटल बिल्डिंग के सामने ही ड्रॉप कर दिया करते थे। तो मैं इजी रहता था अपनी फैमिली के साथ, अकेला आदमी हो तो वो कहीं से भी आना जाना कर सकता है। अच्छा, ये बेसिकली इसकी जो होटल ड्रॉप लोकेशन है वो मैंने गूगल मैप की जो लोकेशन है मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो अगर आप में से कोई इसमें जाना चाहे तो जा सकता है। चलें इसमें होटल में अंदर चलते हैं और आपको थोड़ा सा अंदर से व्यू करवाते हैं। इसका नाम होटल का नाम जो है टॉफल और शोफा फ्रेंडली है। ये बेसिकली एक अच्छी मैनेजमेंट है, इसके अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव स्टाफ है काफ़ी। मुझे बहरहाल अच्छा लगा, साफ़ सुथरा इनका हाइजीनिक इन्वायरमेंट था और काफ़ी फैसिलिटीज़ थी हमारी इसके साथ। इसकी होटल की बुकिंग मैंने जो बेसिकली करवाई थी वो booking.com के ज़रिए करवाई थी, और इसके अंदर मैं इसका लिंक आप लोगों को उसमें डिस्क्रिप्शन कर दे दूँगा, तो आप उसमें से व्यू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक इनका एक रिसेप्शन एरिया है, स्टाफ इनका बहुत कोऑपरेटिव लगा मुझे और इन्होंने सपोर्टिव स्टाफ था। थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि इनको सिर्फ अरबिक लैंग्वेज ही की होती, तो लिहाजा जो लोग यहीं सऊदी अरब के अंदर रिहायशी हैं उनको आई एम श्योर कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो आकर यहाँ पे रहना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल को रियाद से आ रहा है, दमाम से आ रहा है, अपनी कार में आप लोग आ रहे हैं, व्हीकल में आ रहे हैं, तो आप आकर यहाँ पर ईज़िली अपनी सराउंडिंग में गाड़ी पार्क कीजिए विदाउट एनी इशू। आप यहाँ पर अपनी जो है गाड़ी पार्क कर सकते हैं, गाड़ी पार्क करें यहाँ से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो हरम तक चले जाएँ। बहरहाल ये एक लॉबी का एरिया था, इनका सिटिंग एरिया था, ये मुझे मेरे बच्चों ने बनाई थी एल्जुलेस के अंदर काफ़ी सारी, लेकिन बहरहाल एक आउट साइड व्यू उन्होंने दिखाया, यहाँ पर कोशिश की। और ये पार्ट जो है वो मेरे बेटे ने शूट किया था, तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो हो रही होगी, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोगों को लाइक कर लिया। तो एनी हाउ हमें अच्छी इसके अंदर हमें एक फैसिलिटीज मिली थी। इसके साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि इंटरनेट सर्विस जो इनकी है वो फ्री सर्विस थी, वाईफाई सर्विस इनकी जो है वो फ्री अवेलेबल थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो वाईफाई के सिग्नल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे वो हमारे रूम आपके इनसाइड रूम भी अवेलेबल थे। नहीं तो मोस्टली मेरा लास्ट टाइम एक एक्सपीरियंस हुआ था कि उनका वाईफाई अवेलेबल तो था लेकिन वो सिर्फ उनकी लॉबी में चलता था, और जबकि ये इनका जो वाईफाई सर्विस है बड़ा स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स थे और बड़ी स्पीडी इनकी सर्विस थी, तो इंटरनेट की हमें सच कोई प्रॉब्लम हुई नहीं जो हमें यहाँ पे आगे यूज़ किया। होटल रूम जो थे वो आप देख लें, लॉबी एरिया इनका जो पैसेज है बड़ा साफ सुथरा क्लीन वाइट इन्वायरमेंट है, और अच्छे इनकी मैनेजमेंट इनकी अच्छी लगी मुझे काफ़ी। आइए अंदर चलते हैं अपने रूम के अंदर और अंदर चलकर देखते हैं कि क्या फैसिलिटीज अंदर रूम के अंदर मौजूद है। सिस्टम इनके पास अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कम्प्लीटली और साफ सुथरा है। टॉयलेट हमाम आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनका जरा सा मुझे छोटा लगा, लेकिन एनी हाउ साफ़ सुथरा है, क्लीन है और अच्छी, मतलब मुझे इसमें सच कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं हुई। लॉकर्स अवेलेबल हैं इनके तकरीबन तमाम रूम्स के अंदर, तो अपनी जो भी आपकी वैल्यूबल आइटम्स हैं वो आप ईजीली इसके अंदर सेव कर सकते हैं। और अच्छा स्पेशियस रूम था, बेड्स इसके अंदर इंडिविजुअल बेड्स लगे हुए थे, इसके अलावा एक एडिशनल जो सोफ़ा सामने रखा हुआ है, ये सोफ़ा कम बेड है, इसके भी हम यूटिलाइज कर सकते थे। तो एनी हाउ एक अच्छी मुझे इसके अंदर स्पेशियस एरिया लगा। हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो इसके अंदर इंक्लूडेड था पैकेज के अंदर, तो ब्रेकफास्ट एरिया जो आप कह लें जो इनका रेस्टोरेंट एरिया है वो भी बड़ा साफ़ सुथरा, और जो किचन स्टाफ था इनका वो अच्छा कोऑपरेटिव था। वाफिर मकदार में जो है वो हमारे पास फूड आइटम्स अवेलेबल थे, मोस्टली जो इनके पास आइटम्स हैं वो अरबिक स्टाइल के अंदर इनका जो है वो फूड आइटम्स अवेलेबल थे, जिनमें चीज़ हैं, सलाड्स हैं, ऑलिव्स हैं,
पास हनी है, कुछ और इसी टाइप की डिफरेंट टाइप की चीज़ अवेलेबल थी, ठीक है, कॉटेज चीज़ वगैरह हो गई, कुछ अचार हो गए, इनकी स्पेशल पिकल्स होते हैं, सैलड्स हैं, कुछ इसी तरह से जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो आइटम्स यहाँ पे हमें अवेलेबल थे और वाफिल मकदार में अवेलेबल थे, सबसे अच्छी बात ये थी। और सुकून से ईजी होकर आप अपना उसमें आप ब्रेकफास्ट आप कीजिए, और अच्छा मुझे बहरहाल अच्छा लगा। मैं ये फूड होता है नॉर्मली यहाँ पे बड़े शौक से खाया जाता है, बॉयल एग्स थे और साथ में सॉसेजेस वगैरह भी थे, साथ के अंदर कुछ एग प्लांट का इन्होंने एक फ्राइड एग प्लांट खेले थे, ग्रीन पीज हैं जिनको हम मटर कहते हैं, तो मटर का भी एक सजा। बहरहाल हमने अपना जो भी हमें आइटम चाहिए थे वो हमने लेकर अपने टेबल पर बैठ कर आराम से सुकून से नाश्ता किया और ईजी लगा, बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था रेस्टोरेंट एरिया के अंदर, आप सुकून से सुबह 7 बजे से लेकर जो है सुबह 10 बजे तक टाइम का टाइम है नाश्ते का, ब्रेकफास्ट का आप किसी और भी जाकर जो है वो अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा मुझे पुरसकून इन्वायरमेंट लगा इनका। अच्छा, एक और फैसिलिटी इनके अंदर होटल के अंदर ये भी है कि आपको जो है वो मेन रोड तक होटल की सर्विस अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल है जो आपको इस लोकेशन तक ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ से आपके पास ये फ्री सर्विस अवेलेबल है, फ्री बस शटल सर्विस अवेलेबल है जो कि 24 आवर जो है वो हरम की तरफ रवा दवा रहती है, और वापसी भी अगर आप आना चाहते हैं हरम से तो आप वापस भी इसी बस के अंदर फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंदर यहाँ तक आ सकते हैं, और उसके बाद फिर आप वॉक करते हुए चले जाएँ या अगर आपने टैक्सी वगैरह लेनी है तो लेकर आप ऊपर तक चले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सर्विस है होटल से इस जगह तक मेन रोड तक जो है वो आपको होटल की ट्रांसपोर्ट जो है वो ड्रॉप कर देगी, और उसके बाद आप इस फ्री शटल सर्विस के अंदर अवेल करके हरम की तरफ, मस्जिदुल हराम की तरफ आप जा सकते हैं। बीच में ये टनल है, टनल को क्रॉस जब करेंगे तो अच्छी खासी लंबी टनल है, बहरहाल मैंने इसको उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नहीं किया, और फ्री सर्विस है इसकी, आप इजीली हरम तक एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपने रिटर्न आना है तो बाई बस, अगर आप रिटर्न आना चाह रहे हैं तो बाई बस भी आ सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं बाई रिटर्न जो भी आया वहाँ से हरम से, तो मैंने कोशिश की टैक्सी कर लूँ और टैक्सी करके रिटर्न हूँ, क्योंकि आपको मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि होटल की जो है वो चढ़ाई के ऊपर है, हिल टॉप के ऊपर है, तो बच्चों के साथ और फैमिली के साथ इस तरह से वॉक करना ऊपर तक मेरा डिफिकल्ट था, तो डैट इज़ वाई मैंने इसको प्रेफर किया कि टैक्सी अवेल करूँ। एनी हाउ एक अच्छा सेटअप रहा अलहमदिल्ला, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को इस होटल के हवाले से, तो आप लोग भी जब कभी जो मेरे स्पेशली रेजिडेंट हैं यहाँ सऊदी अरब के वो जाकर यहाँ पर रहायश कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला, काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट इंशाल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।